है, हमें अपनी आत्मा की ओर ले जाएं, हमें विवेक ज्ञान की ओर ले जाएं, रेशनल नॉलेज की ओर ले जाएं, जो हमें डिवाइन की ओर ले जाएं, हम डिवाइन है उसको अनुभूत की ओर ले जाएं, वो सारी वृत्तियां अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। और जो हमें ये मेरा नहीं, ये अच्छा, ये मेरे लिए काम का नहीं, उपयोगी अनुपयोगी, और उन्हीं में फंसे रहना, उन्हीं में लिप्त रहना, उन्हीं में लिप्त रहना क्लिष्ट वृत्ति है। ये हर क्लिष्ट और अक्लिष्ट की पहचान होनी आवश्यक है। तत्पश्चात विकल्प वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे हुई, मैंने दो उदाहरण दिए थे, एक समय का दिया, एक उम्र का दिया। एक ग्रस्त व्यक्ति जीवन भर परिवार के लिए, अपने लिए भौतिक संसाधनों को विकसित इकट्ठा संग्रह करने के लिए, जीवन को सुख सुविधाओं से युक्त करने के लिए जीता रहा। उसको पता चला कि उसका 50 वर्ष हो गए, 60 मान लो, उसको ये स्मरण आ रहा, मेरे 60 वर्ष हो गए, 50 वर्ष का हो गया। ऐसा चिंतन करके ये स्मरण आते ही कि मैं 50 वर्ष का हो गया, 60 वर्ष का हो गया, मुझे संसारिक जो लालच से है, जो पद गरिमा इत्यादि है, इनसे अब मुझे थोड़ा मुक्त होके अब मुझे डिवाइन की ओर जाना चाहिए, मुझे चेतना की ओर जाना चाहिए, मुझे कॉन्शियसनेस की ओर जाना चाहिए, मुझे शांति की ओर जाना चाहिए, इंटरनल पीस की ओर, मुझे आनंद की ओर जाना चाहिए। ऐसा सोच के जो इस ओर चला जाता है वो अक्लिष्ट वृत्ति है, वो उसे धीरे धीरे ज्ञान की ओर ले जाएगा, डिवाइन की ओर ले जाएगा। और कोई व्यक्ति इस उम्र का बोलता है अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, 80-90 वर्ष तक जिएंगे, क्या फर्क पड़ता है, अभी और काम करते जाओ, और जुटे रहते हैं कामों में और दुख से पीड़ित होते हुए, क्योंकि अभी बहुत समय है, तो उनके अंदर आलस्य आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, साधन ना करने की वृत्ति आ जाती है। यहां साधन करने की वृत्ति विकसित हो जाती है, तो आलस्य प्रमाद रूपी और कर्म ना करने की चेष्टा रूपी, साधन ना करने की चेष्टा रूपी वृत्ति विकसित हो जाती है, वो वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति है, जो आगे भोग कर्म संस्कार कर्मा से इत्यादि सब बनाएंगे, सब बनाएंगे। तो क्लिष्ट वृत्ति वो वृत्ति है जो भोग कर्माशय कर्म फल इत्यादि बनाती है, बांधती है। और अक्लिष्ट वृत्ति वो वृत्ति है जो ज्ञान देती है, दिव्यता प्रदान करती है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कराती है, वो अक्लिष्ट वृत्ति है, और जो कर्म बंधनों से मुक्त करती है, बांधती नहीं है, ये बांधती है। जो कर्म करके हम बंधते नहीं है, चाहे वो अच्छा या बुरा हो, वो वृत्ति अक्लिष्ट है। बुरा कर्म करेंगे तो बंधन निश्चित है, लेकिन अच्छा कर्म करने के पश्चात बंधन नहीं आए। कोई व्यक्ति, अरे मैंने उसके लिए इतना किया, करने के बाद सोचे ही नहीं कि मैंने किसी लिए किया, उसके लिए वो अक्लिष्ट वृत्ति है। करने के बाद 100 बार सोचे मैंने उसके लिए इतना किया, वो वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति है, उसका संस्कार आएगा। जब जब वो सामने आएगा, मैंने उसके लिए क्या, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वो पीड़ा उत्पन्न होगी, उसका और संस्कार होगा, ईर्ष्या द्वेष इत्यादि संस्कार। तो ये वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार की है। अब ये वृत्तियां उत्पन्न हुई, इतना वैज्ञानिक ग्रंथ है, देखिए योग क्या था बताया, पहले एक अब योग का प्रारंभ करता हूं, योग क्या लक्षण बताए, क्या मिलेगा बता दिया, अब नहीं मिलेगा क्या स्थिति है, ऐसी स्थिति होगी, अब ऐसी स्थिति बता दी कि 5 प्रकार की स्थितियां हैं, 5 वृत्तियां हैं, इन्हीं रूपों में पुरुष रहता है, वो जो दृष्टा है, सियर है, इन 5 रूपों में ही रहता है। अच्छा, 5 रूपों में ही रहता, आगे क्या, अब वो यदि पुनः योग की अवस्था को प्राप्त करना चाहे कैसे कर सकता है, अब उस विज्ञान का आगे वर्णन करते हैं और बोलते हैं अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य से उस निरोध की अवस्था को, उस योग की अवस्था को पा लेगा। तो कितना वैज्ञानिक तरीके से वो चलते हैं, ये सबसे सुंदर लगा मुझे, उलट पुलट नहीं है, इतने ढंग से। अभ्यास वैराग्य को कल पढ़ेंगे, अब आप किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो।
फिर क्लास का समय मतलब टाइमिंग रहता है फिक्स, 10:15 बजे खत्म हो जाती है ना? 10-20 होती है हमेशा तो, लेकिन आज से ये सोचते हैं कि 10 बजे खत्म कर देंगे, क्योंकि बहुत लोगों देर रात हो जाती है। अच्छा, और सर इसके नोट्स कैसे प्रोवाइड होते हैं फिर? नोट्स ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। ठीक है। ठीक, ये सब चीजें मुझे पर्सनल कर दिया करो, जो पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछा करो, क्लास नोट्स ये सब मैसेज में कर सकते हो। और किसी को कोई डाउट? हाँ सर पूछ रहे थे कि कोई गृहस्थ जीवन या ब्रह्मचर्य जीवन में सोचे कि मुझे बाद में जाके संन्यास लेना है, लेकिन उससे पहले उसका अगर कोई एक्सीडेंट में मर गया या किसी कारण मर गया तो वो कैसे कंटिन्यू होगा फिर? उस समय मरने के समय जो वृत्ति रहती है उसी हिसाब से, और जो उसके उम्र उसके भीतर वासना रहती है वो वासना के हिसाब से उसकी गति होगी। ठीक है, अच्छा तो मान लो वो पूर्ण उसके वासना भीतर है ही नहीं, तो उसका पुनर्जन्म हो जाएगा शीघ्र। अब उसके भीतर वासना बची है तो कई वर्षों तक वो प्रेत योनि में रहेगा। ठीक है, तत्पश्चात वो प्रेत योनि पूरी होगी, यदि उसके घर वाले अच्छे हैं, उसको अच्छे प्रकार से तृप्त कर देते हैं, तर्पण संस्कार कर देते हैं, तो हो सकता है उसका वो हो जाए, उसको शीघ्र मुक्ति मिले। और पूरा जन्म मुक्ति के बिना जन्म भी नहीं मिलता, इसीलिए अपने यहाँ तर्पण संस्कार की व्यवस्था है। उस विशेष जीवात्मा जिस शरीर में था ना, उस जीवात्मा उस शरीर से बंधन मुक्ति के लिए। ये भी पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न नहीं था। हाँ, कल से नहीं, लेकिन 7 तारीख से, अब तब तक 20-21 सूत्र हो जाएंगे, तो 7 तारीख को, सात मैं कल या परसों तक अटेंडेंस दे दूंगा, 1, 2, 3, 4, प्रथम 7, 7, 8.5 से 9 बजे तक डेली पूछूंगा, और सबको उच्चारण करना है, बाकी लोग सुनेंगे। 8.5 से 9 जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े। 9 बजे के बाद अपनी कक्षा विधिवत रूप से शुरू होगी। ठीक है, कक्षा का लिंक अलग रहेगा, पूछने का लिंक अलग रहेगा, इतना ध्यान रखना, मैं भेज दूंगा वो। तो 7 को पहली बार पूछूंगा, प्रथम 7 कोई भी हो सकता है, तैयार है ना। 20 तक सूत्र स्मरण होने चाहिए, और मैं 1 से शुरू नहीं कर सकता हूं, 15, 14, 13, 12 इस तरह पूछूंगा। ठीक है, तो ये 7 को, और कुछ पूछना है तो बताओ। सर, याद करने के तरीके बता दीजिए, कैसे सूत्र याद करें? हेलो जिससे, हाँ बोलो गुरु जी, एक्चुअली बोलो। हम लोग तो वृत्ति 5.5 टाइप का वृत्ति पढ़ लिया, तो 5 टाइप का वृत्ति हाँ हो गया, तो हम हाँ एग्जाम में ये 5 कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस 5 वृत्ति के? 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एक तो अब वृत्तियां कितने प्रकार की सबको पता, कोई नहीं पूछेगा। हाँ अब जो प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे अभी विपर्यय 5 प्रकार की, कभी प्रश्न नहीं पूछा, दिया आ सकता है विपर्यय कितने प्रकार का है। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ गुरु जी, अब प्रश्न जो आ सकता है वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट का आ सकता है, कि कौन सी वृत्ति ये क्लिष्ट रूप में है अथवा अक्लिष्ट रूप में है। ठीक है, तो इसका अब प्रश्न बनाने वाला बताया कि प्रिय मार्ग की ओर चलने वाली वृत्ति कौन सी वृत्ति है, प्रवृत्ति की ओर ले जाने वाली वृत्ति कौन सी वृत्ति है। ठीक है, तो जो भी प्रवृत्ति प्रे हार्मफुल पेनफुल इनकी ओर ले जाती है, वो वृत्तियां सारी की सारी वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां हैं। तो क्लिष्ट अक्लिष्ट से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ठीक है गुरु जी, और समझिए। हाँ ठीक, दूसरा स्मरण कैसे करें? अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने मित्र को, अपने माता पिता को स्मरण करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? स्मरण करने का यही तरीका है, बार बार उसका ध्यान किया जाए, अर्थात उसको बार बार पढ़ा जाए, अध्ययन किया जाए। उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। भोजन बनाते समय भी, खाते समय भी, चलते समय भी उनका बार बार पुनर्उच्चारण, रिपीटेशन, उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। ठीक है, फिर आंखें ठीक है बंद गुरु कर जी, लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, सब लोग म्यूट हो जाएं।
जो जो पढ़ा उसका चिंतन और ध्यान करिए, एक मिनट इसी में रहिए। सारे योग सूत्र मस्तिष्क के चिंतन में आने चाहिए, मस्तिष्क आंखें बंद लेकिन मस्तिष्क के सामने एक एक सूत्र, उसी प्रकार रहिए। साथ साथ में ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, हरि ॐ। शुभ रात्रि सभी को।